नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की। और बेसिकली ये देखो, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ना इज आल्सो वन ऑफ द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है जो हमने आर्टिकल 192 में पढ़ी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें हमने 8 ग्राउंड रेस्ट्रिक्शंस की बात करी थी। उसी में ये पार्ट था कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का। देखो, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट फर्स्ट टाइम जब ईयर था वो था 1952, जब ये इनेक्ट हो गया था। बट इस एक्ट में उस टाइम पे क्लियरली डिफाइन नहीं किया था कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को। बाद में ये 1971 में एक्ट आया और उसके बाद इसको एक क्लियर डेफिनेशन दी गई कि आखिर में क्या है ये कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। तो बेसिकली कंटेंप्ट मतलब डिसरिस्पेक्ट करना, डिसओबे करना कोर्ट के ऑर्डर्स। जब आप डिसरिस्पेक्ट करते हो कोर्ट के ऑर्डर को तो आप कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में आते हो। और कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट दो तरह का है, पहला सिविल है, दूसरा क्रिमिनल कंटेंप्ट। सिविल सेक्शन 2B से आता है और जो क्रिमिनल कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है ये सेक्शन 2C में आता है। सिविल कंटेंप्ट क्या होता है? इट इज विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट और अदर प्रोसेसेस ऑफ अ कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ एनी अंडरटेकिंग गिवन इन द कोर्ट। मतलब आप अगर विलफुली जानबूझकर कोर्ट की जजमेंट को, डिक्री को, डायरेक्शन, ऑर्डर वगैरह को जानबूझ के अगर आप अनदेखी कर रहे हैं, आप उनके बुलाने पे नहीं जा रहे हैं, तो आप सिविल कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। दूसरा क्रिमिनल कंटेंप्ट वो है, इट इज एनी पब्लिकेशन विच में रिजल्ट इन स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट बाय लोवरिंग इट्स अथॉरिटी, इंटरफेरेंस इन द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मतलब अगर आप कोर्ट को स्कैंडलाइजिंग कर रहे हो, उसकी लोवर करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी अथॉरिटी को इंटरफेरेंस कर रहे हो जुडिशियल प्रोसीडिंग में, या किसी भी तरह की रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, तो आप क्रिमिनल कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट कर रहे हो। कुणाल कामरा का अगर केस आप पढ़ोगे तो वो क्रिमिनल कंटेंप्ट के अंदर आता है। या प्रशांत भूषण जो एक्टिविस्ट और लॉयर रहे हैं, 2020 में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी क्रिमिनल कंटेंप्ट की कैटेगरी में आता है। और सिविल कंटेंप्ट आपको पता चल गया, क्रिमिनल कंटेंप्ट क्या होता है आपको पता चल गया। और ये ध्यान रखना है कि ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का ही वन ऑफ द पॉइंट है जो हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, कि वरना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या एक बहुत बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन है ग्राउंड रेस्ट्रिक्शंस के में से। ये पार्ट एक है कि आप जब भी बोलेंगे ध्यान रखेंगे कि आप कोर्ट की गरिमा को ठेस ना पहुंचाएं। अब इसकी बात करते हैं पनिशमेंट क्या होती है। देखो, अगर आप सिविल कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट करते हो या क्रिमिनल कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट करते हो तो दोनों में ही पहले तो सेम ही प्रावधान है, अलग से कोई पनिशमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक तो पावर है पनिश करने की कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट केसेस में, या तो आइदर वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 6 months होगी या विद फाइन अप टू 2000, या फिर दोनों। सिविल और क्रिमिनल ये दोनों के लिए है कि 2000 का जुर्माना और 6 महीने तक की सजा हो सकती है, या फिर दोनों आपको करने पड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। और 1991 में सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट इट हैज द पावर टू पनिश फॉर कंटेंप्ट not only of itself but also of high court or subordinate courts and tribunal functioning in the entire country. ये आपने ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर है कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट केसेस को देखने की, वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का और ट्रिब्यूनल्स का हो, वो सब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जाएगा। ठीक है, और ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की? ज़रूरत इसलिए थी कि जिससे कि जो जुरिस्डिक्शन है उसका पर्पज़ ये था, पर्पज़ ऑफ कंटेंप्ट जुरिस्डिक्शन का, कि अपहोल्ड करें मेजिस्ट्री और डिग्निटी जुडिशरी की बनी रहे। और कंटेंप्ट की पावर आने से जजेस अपनी ड्यूटीज बखूबी निभा सकते हैं। कोई भी केस का वर्डिक्ट सुनाने से पहले उन्हें किसी तरह का फियर नहीं होना चाहिए, और अगर उन्हें फियर होगा तो कहीं ना कहीं फेवर की वजह से किसी के साथ गलत हो सकता है।